हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टायर सेक्टर का ये स्टॉक है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जेके टायर। नाम सुना होगा आपने जेके टायर। आज इसका क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है। क्वार्टरली रिजल्ट वो भी इतना ज़बरदस्त आया है, उसके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब अगर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ का आप शेयर प्राइस देखा जाए तो मात्र 100 रुपये से भी नीचे का था ये आज की डेट में। आज इसमें ज़बरदस्त उछाल देखा गया, ऑलमोस्ट 8% का जंप देखा गया है इसके स्टॉक के प्राइसेस में। 52 वीक लो देखा जाए तो 87 का है, 52 वीक हाई जो है 192 का है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई से ये मान के चलिए आप 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर चल रहा था ये स्टॉक। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक स्मॉल कैप का स्टॉक मैं इसको कहूँगा, 2400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिस तरीके से टायर इंडस्ट्री में अगर आप स्टॉक्स देखोगे, MRF, अपोलो टायर्स, इस तरीके से सीएट टायर, तो उन्हीं सब में से ये स्टॉक एक है। तो ये छोटा स्टॉक जरूर है, स्मॉल कैप का स्टॉक जरूर है, 2400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अर्निंग पर शेयर आपको इसका बहुत अच्छा लगेगा देख के, 11 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। मतलब 100 रुपीज़ का स्टॉक 11 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर 10% का, तो मैं बहुत बढ़िया कहूँगा इस चीज़ को। बुक वैल्यू 92 के अराउंड है, तो अभी ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया था, तो लोगों ने अच्छी खासी इंटरेस्ट दिखाया इसके अंदर बुक वैल्यू के अराउंड आते ही। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के अराउंड है और प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो देखा जाए तो अब बढ़ के 1.14 हो गया है। इंडस्ट्री पी जहाँ पर 23 के, इसकी पी रेशियो भी 10 के, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अच्छा है। अब आप ये देखिए, रिजल्ट से पहले ये देखिए कि टायर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, जैसे आपने देखा होगा MRF, बालकृष्णा इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स, सीएट टायर, फिर 5वें नंबर पर आता है जेके टायर, उसके बाद आता है गुडियर एंड TVS श्रीचक्रा। तो ये देखिए 5th नंबर पर जरूर है, लेकिन रिजल्ट देख के आप कहोगे कि बहुत बेहतरीन, प्राइसिंग में भी बहुत सस्ता स्टॉक है। ये देखिए रिजल्ट आज अराउंड 3:20 के अराउंड रिजल्ट आया, तो रिजल्ट देखिए किस तरीके का, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। सीधे चलता हूँ मैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट देखिए, जो पिछले साल 3 करोड़ का प्रॉफिट था स्टैंड अलोन की बात करें, तो इस बार 76 हो गया। तो आप ये मान के चलिए कितना ज़बरदस्त इसका जंप रहा, 3 करोड़ का प्रॉफिट जो है 76 करोड़ का हो गया, स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ अगर मैं तो। आप ये देखिए 25 या 75, मतलब 25 गुना प्रॉफिट में जंप स्टैंड अलोन, 25 गुना, बहुत बढ़िया जंप मैं कहूँगा इसको प्रॉफिट में। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी 1603 करोड़ से 1943 करोड़ तक हुई है। और अब बात करते हैं हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 11 करोड़ से 48 करोड़ तक गया, तो ऑलमोस्ट 4 गुना से भी ऊपर जो है नेट प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें, यहाँ पे देखिए 0.77 था और यहाँ पे 2.29 एक क्वार्टर में हो गया, तो बहुत बेहतरीन कहूँगा मैं इसको। और अभी इसने मार्च क्वार्टर में तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया था, 159 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट दिया था मार्च क्वार्टर में। आप खुद देखिए इसको कितना, 160 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट था जेके टायर का। तो ये देखिए आगे अगर हम बात करें टोटल डेट कितना है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का टोटल डेट है जेके टायर्स पे और 7000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ पे। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड बहुत बढ़िया पे करता है। इस साल जो है 1.5 रुपये का डिविडेंड पे किया, मात्र पिछले साल 2.5 रुपये तक का किया था, और 2016 में भी 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था जेके टायर्स ने। अभी देखिए स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2014 में, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे स्टॉक स्प्लिट हुआ था। अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बहुत बेहतरीन दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी इस साल जो स्मॉल कैप और मिड कैप का 2018 जनवरी से क्रैकडाउन हुआ था, तो इसमें भी जरूर आया हो, जिसकी वजह से नीचे अपने सपोर्ट लेवल्स की तरफ गिरने लग गया। और आज रिजल्ट का असर देखिए, आज जब 3:20 पे रिजल्ट आया तो ये स्टॉक देखिए 98-99 पे चल रहा था, अचानक रिजल्ट आते ही ऐसा उछला 110 पे पहुंच गया। तो मतलब ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 10 से 15% तक का जंप एक दिन में, उसी टाइम रिजल्ट आते ही इतना, मतलब बहुत पॉजिटिव लगा लोगों को इसका रिजल्ट, जिसकी वजह से इतना उछाल देखने को मिला स्टॉक के प्राइस में। और अगर पिछले अगले 5 साल का ग्राफ आप देखें तो बहुत बढ़िया बेहतरीन, लेकिन जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको तोड़ के ये नीचे आया है और अपने पुराने जो सपोर्ट लेवल्स जो इसको देख रहे थे 86-87 के, उस लेवल तक आया, वहाँ से अभी बहुत बढ़िया बड़ी कैंडल दिख रही है मुझे तो। और यहाँ से उम्मीद है कि इस रिजल्ट का अच्छा असर देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइसेस पर, और यहाँ से स्टॉक जो है वापस बाउंस बैक करेगा। चलिए, और बाउंस बैक जरूर करेगा। यहाँ से अगर आप सपोर्ट की लाइंस देखें तो आपको इस लेवल पर सपोर्ट भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो सपोर्ट का लेवल था, यही लेवल था कि अराउंड जो एक कंसोलिडेशन जोन थी 91 से लेके आपको 80-75 से 90 के बीच में, यही एक जोन दिख रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा, और किया भी है स्टॉक ने।
और अगर आप टायर इंडस्ट्री का स्टॉक देखें, देखिए ऑलमोस्ट जेके टायर का प्रॉफिट बहुत बढ़िया गया, जैसा मैंने आपको बताया था कि कितना बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिट स्टैंड अलोन में बहुत अच्छा गया और कंसोलिडेटेड में भी बहुत अच्छा गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। जबरदस्त स्टॉक अगला MRF तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन यह है कि MRF की टक्कर का अगर एक स्मॉल कैप का स्टॉक है उस लेवल पे जाएगा, अगर इसके टायर्स भी इस तरीके से बिकते हैं तो बहुत बेहतरीन कर सकता है आगे भी। ये वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अब तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।